मैंने आज सुबह एक बहुत ही गंभीर विषय उठाया था कि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिन्होंने देश के बाहर जाके विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय अलग देशों से कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और ये मांगा कि यूरोप के देश या अमेरिका के देश भारत में आके हस्तक्षेप करें, भारत में आके वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें, ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस सदन में घोर निंदा करनी चाहिए। एक तरफ भारत G20 की प्रेसिडेंसी लगी है, एक तरफ पूरे विश्व में भारत का बोलबाला है, पूरे विश्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि इनके इटली के प्रधानमंत्री इनके नेता को ये देखना चाहिए कि इटली के प्रधानमंत्री स्वयं कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है, पूरा विश्व की तरफ आकर्षण से देख रहा है कि वो इस दुनिया की समस्याओं का समाधान कर रहा है। दूसरी तरफ भारत का एक नेता इस सदन का लोकसभा का सदस्य जाके विदेश में भारत की बदनामी करते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने जब तक माफी नहीं मांगी, जब तक इस सदन की, देशवासियों की और जुडिशरी की, प्रेस की, हमारी सेनाओं की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, इलेक्शन कमीशन की, सबकी जब तक माफी नहीं मांगी, तब तक ये देश उनको माफ नहीं करेगा। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।